Hey everybody, let's talk about some anime. So the anime we are going to talk about is One Punch Man and Mob Psycho 100. ये दोनों में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने इनको साथ में एक ही वीडियो में रखा है और साथ मिलके ये ऐसी क्या कॉन्स्पिरेसी वर्क करते हैं, तो ये जानने के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वन पंच मैन और मॉब साइको नहीं देखा है तो प्लीज आप टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके देख लिए। छोटे छोटे रिव्यूज हैं, नॉन स्पॉइलर, और उसके बाद एंड में स्पॉइलर रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वन पंच मैन इज एन एनिमे दैट इज वेरी यूनिक। इट्स अ पैरोडी ऑफ एनिमे। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो एनिमे देखते रहते हो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और जो नहीं देखता है वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ये कहानी है साइतामा की, जो कि है एक एंटा हीरो। ही इज नॉट अ हीरो, बिकॉज हीरो को कोई ना कोई एक आर्क कंप्लीट करना होता है, एक कोई चीज चाहिए होती है उसको आगे बढ़ाने के। लेकिन उसके पास सब कुछ है, उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना था। ही वॉन्टेड टू बी अ हीरो, ही बिकेम अ हीरो। नाउ ही इज जस्ट अ गाय हु इज अ हीरो फॉर फन। और उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि उसके एक पंच से उसके सारे एनिमीज तबाह हो जाते हैं। कोई भी एनिमी आए, आएका माइका लाइका, सबके सब एक पंच से चले जाते हैं। और यही उसकी कहानी है, यही ट्रेजेडी है। आप जो लोग देख रहे हो, जो आप लोग हंसते हो ना, दैट इज द शो। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द एनिमेशन, एनिमेशन इज डेफिनेटली 9 out of 10। और प्लॉट की बात करें तो इट इज अबाउट 7 out of 10। और ओवरऑल एंजॉयमेंट की बात करें, ओवरऑल ब्लिस, जो इसके सीजन 1 के 12 एपिसोड्स है ना, एक एपिसोड कोई ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा स्लो डाउन हो। बहुत अच्छे एपिसोड है, खासतौर के स्टार्टिंग के 5। सो इट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच, तो प्लीज चेक देखिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉब साइको 100। ये थोड़ा सा नया है, इसका और वन पंच मैन का राइटर सेम है और एनिमेशन स्टूडियो भी सेम है। मॉब साइको 100 की यूनिक बात यह है कि इसका एनिमेशन बहुत ही स्टाइलाइज्ड है, कि आपको ऐसा स्टाइल देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। और ये इसके जो थीम और इसके टोन है उसको परफेक्टली सूट करता है। इसमें जो जोक्स के आफ्टर जोक्स के बाद जो जोक्स ही जोक्स भरे पड़े हैं, और इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करे गए हैं कि आपको मजा आ जाएगा देख के। इसके कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा मोप, जिसके पास सब कुछ है। मतलब इसकी साइकिक पावर का साइतामा है, बट ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये इमोशंस को समझा नहीं पाता लोगों को। ही इज काइंड ऑफ एन ऑटिस्टिक है, तो ये उसकी कहानी है। उसके आसपास के लोगों से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कर ले, कोई ऐसा कर। वो जिससे जब पूछने जाता है उसे कोई ना कोई हल बता देता है, फिर वो ट्राई करना शुरू कर देता है, यार चलो यही मेरा काम कर दे। मॉब साइको की बात करें तो इट इज नॉट एज गुड एज वन पंच मैन। मेरे अकॉर्डिंग मॉब साइको इज अ इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ वन पंच मैन। अगर आप इसे पहली बार देखो वन पंच मैन देखे बिना, तो ऑल्सो इट स्टैंड्स ऑन इट्स ग्राउंड। तो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसका प्लॉट है, काफी अच्छा। तो हाँ, इट इज अ मस्ट वॉच, तो प्लीज जाके देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द टू। वन पंच मैन और मॉब साइको 100 के अंदर मैं आपको कंपैरिजन बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। वन पंच मैन के अंदर आप ये मान लो कि जो साइतामा है, ही इज द बूढ़ा सिद्धार्थ गौतमा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो वो बचपन से चाहता था वो मिल गया, उसको जो जो जिंदगी में चीज चाहिए थी सब, लेकिन वो फिर भी कंटेंट नहीं है, वो एनलाइटेंड हो गया है। अब उसे जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस वगैरह इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो ह्यूमन रेस से थोड़ा सा ऊपर। तो इस चक्कर में ये समझ लो, अगर आप बूढ़ा को सुपर पावर्स दे दो, दैट इज साइतामा। तो तभी साइतामा की ट्रेजेडी है कि वो अब इस दुनिया के लिए नहीं बना, अब ये सोसाइटी उसे भाती नहीं है किसी भी तरीके से। जैसे कि आपने सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही देखा था, लास्ट में दिखाते हैं कि उसको एक ड्रीम आता है, जो कि बाद में पता चलता है हमें ड्रीम है, कि उसको एक वर्दी ओपोनेंट मिल जाता है। लेकिन जब उसे लड़ लेता है, खूब उसका खून वून बहा जाता है, उसके अंदर एक थ्रिल आ रहा होता है, तो बाद में उसे जाकर पता चलता है कोई नहीं है, फिर से मैं अपने बोरिंग रूटीन पे चला जाऊं, मेरे लिए कोई इंसान नहीं बचा या कोई मॉन्स्टर भी नहीं बचा जो मुझे कम्पीट कर सके, जो मुझे जीने की एक वजह दे सके, वो डेस्पिरेशन जो उसके अंदर है। और इसे कंपेयर करें आप मॉब साइको के अंदर, मॉब साइको इज लाइक अ सुपरमैन स्टोरी। कि आपको मॉब एक ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है, मॉब इमोशनलेस है, मॉब के पास सबसे ज्यादा पावर है, मॉब को पता है कि वो अपनी पावर यूज करके किसी भी सिचुएशन से बच सकता है, लेकिन उसके जो आसपास के कैरेक्टर्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फुल पोटेंशियल लॉन्च नहीं करता है, वो उन लोगों से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। सो वो सुपरमैन की स्टोरी जैसे समझ लो आप, जैसे लुईस लेन होती है या फिर उसकी सुपरमैन की माँ होती है, जैसे वो लोग लिमिट करते हैं उसे एक तरीके से, या फिर उसे एक ह्यूमैनिटी का एक टेस्ट देते हैं। वो ह्यूमन बनना चाहता है, वो भी इमोशंस फील करना चाहता है, बट वो साइकिक पावर से हटके करना, उसका गोल ये नहीं है कि साइकिक पावर, वो उसका एक तरीके से बर्डन है उसके लिए। तो यही डिफरेंस है अगर आप देखें मॉब साइको में और वन पंच मैन के अंदर। इट्स अ सुपर हीरो स्टोरी एंड इट्स अ बूढ़ा स्टोरी। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे कंपेयर करो, जैसे मॉब साइको के स्टार्टिंग के सीजन 1 में एपिसोड में ये दिखाया था कि जो उसका मास्टर था वो उससे कुछ रिलेट करना चाह रहा था, वो कोई और बंदा ढूंढना चाह रहा था, और उसे वो बंदा मिल गया। मास्टर भी उसकी तरह उसको बताया कि मेरा भी चाइल्डहुड ऐसा था, तुम्हारे भी ऐसा है, तुम्हें बस अपनी ह्यूमैनिटी पे ज्यादा फोकस करना है, तुम्हें अपनी पावर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना। और यही थीम चली है पूरी सीजन 1 के स्टार्टिंग से लेकर सीजन 1 के एंड तक, कि वो एंड तक अपने मास्टर पे पूरी तरीके से भरोसा कर ले, वो भी एक तरीके से फ्री हो जाता। तो ये है मॉब साइको की।
अगर मैं कंपेरेटिवली बात करूं तो आई लाइक द वन पंच स्टोरी बेटर, क्योंकि वन पंच के अंदर ऐसा है कि उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो साइतामा हटा के भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब वो आप भूलोगे नहीं, एक बार आप सीजन 1 वन पंच मैन का देख लोगे तो आपको वो कैरेक्टर्स याद रहेंगे, जैसे कि सुपर सॉन वो याद रहेगा आपको, जो और कैरेक्टर है जो बुढ़ा कैरेक्टर है जो जिसकी बहुत ज्यादा बॉडी है, जेनोस हो गया अपना जो कि इसके डिसाइपल बनना है कोशिश करता है, लड़की हो गई जो टेलीपोर्ट करती है, या फिर कोई भी आप जो इसका सीजन 1 के एंड का जो मेन विलन था उसे कह लो, सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, सब आपको याद रहते हैं एक तरीके से, सबका अपना अपना एक ऑरा है, सबकी अपनी अपनी एक पोजीशन। लेकिन अगर आप इसे मॉब साइको से कंपेयर करोगे, मॉब साइको के अंदर ऐसा नहीं है, मॉब साइको के सारे कैरेक्टर्स उसके मॉब के आसपास ही, वो इतने ज्यादा यूनिक नहीं है, उनकी पावर्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, पायरोकिनेसिस टेलीकिनेसिस वो बोलते हैं बट उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता, आप चाहते हो कि भैया ये काट के पहले मॉब पे देखे। तो कैरेक्टर्स वाइज भी मैं कहूंगा कि वन पंच मैन का तभी प्लॉट ज्यादा अच्छा है, आप उसे बार बार देख सकते हो और आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। मॉब साइको में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वो थोड़ा मेसी हो जाता है, मॉब अभी भी एक ऐसे झूठे इल्यूजन में डूबा हुआ है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई दुनिया में मेरी कोई ना कहीं जगह है कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, तो वो किसी भी तरीके से मुझे मिल जाए, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है मॉब। वहीं साइतामा से कंपेयर करें, साइतामा इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, साइतामा को यकीन हो गया है कि ये सब फालतू की चीज है, ये इनका कोई फायदा नहीं है, अगर मैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करूंगा लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ इज पर्पसलेस, कोई दूसरा इंसान कोई मॉन्स्टर जो उसके दिल के अंदर एक जो हॉलोपन है ना वो नहीं भर सकता, ये बात साइतामा एक्सेप्ट कर चुका है और ये अभी मॉब को एक्सेप्ट करना बाकी है। आई थिंक यही लाइन है जो परफेक्टली इन दोनों एनिमे को सफाइस करती है। सो एनीवे, दिस वाज द वीडियो गाइस। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और एनीमे पे वीडियो बनाऊं, जो कि मैं बनाने वाला हूं, तो नीचे कमेंट करो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक से वीडियो बनाना तो वो भी आप नीचे कमेंट करो। रोड 200 के पिछली वीडियो देखो अगर समझना है मेरी दर्द, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। इन दोनों में एक छोटा सा ईस्टर एग भी है जो दोनों के सीजन 1 एपिसोड 1 में है, दैट इज कॉल्ड द पच्चिन गाय, उसके अंदर वो छोटा है, उसके अंदर वो बड़ा है, सो दैट इज अ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग ईस्टर, दैट इज एन इंस्टर, सो दैट इज एन इंस्टर, सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग ईस्टर एग।